वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस का। इसमें 100% आने वाला एक क्वेश्चन है जो कि 100% कल के एग्जाम में श्योर है, तो इसको ज़रूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचारों का वर्णन करें और गांधीवादी आदर्शों की प्रमुख विशेषताएँ, ये क्वेश्चन कीजिएगा, या फिर कार्ल मार्क्स या मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आज गांधीवादी जो क्वेश्चन है इसका डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। तो पहले हेडिंग दीजिएगा गांधीवाद। तो महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए विचारों एवं सिद्धांतों को उनके समर्थकों ने राजनीति के क्षेत्र में अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह एक विचारधारा बन गया। इसे ही गांधीवाद या गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों में सत्य एवं अहिंसा, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास एवं सत्याग्रह काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन लोगों ने इनके सत्याग्रह के विचारधारा को काफ़ी महत्व दिया। तो सत्याग्रह का सिद्धांत क्या था महात्मा गांधी का? महात्मा गांधी ने अपने विचारों में सत्याग्रह को सबसे अधिक महत्व दिया। इसका अर्थ होता है सच्चाई के मार्ग पर चलना एवं सत्य पर टिके रहना। गांधी जी के यह विचारधारा लोगों के अंदर एक नई शक्ति एवं ऊर्जा जगाती है, तो उन्हें बुराइयों से लड़ने में मदद करती है। इस सिद्धांत के निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। पहला हेडिंग है सत्याग्रह में हिंसा और बल का प्रयोग करना नहीं चाहिए। दूसरा, सच्चाई के रास्ते पर चलकर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, दुश्मनों से आग्रह करके जीवन जीना चाहिए। सच्चाई के विरोध अस्त्र शस्त्र हथियार बनना चाहिए। सच्चाई को जो है विरोध का हथियार बनाना चाहिए। गांधीवादी आदर्शों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो महात्मा गांधी जी ने जो सिद्धांत दिया उसके निम्नलिखित विशेषताएँ हैं। पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण। गांधी जी इस विचारधारा के समर्थक थे कि सरकार की शक्तियां बटी होनी चाहिए, गांवों में पंचायतों को अपने कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा, गांवों का विकास। महात्मा गांधी जी गांवों के विकास के समर्थक थे। उनके अनुसार प्रत्येक गांव को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। पंचायत व्यवस्था के समर्थक हेडिंग है। इनका विचारधारा था कि गाँव में जो है पंचायत व्यवस्था का समर्थन करता था। इनका मानना था कि अगर गाँव विकसित होता है तभी देश विकसित होगा। तो ये था 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कल के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, या फिर मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आज जितने भी वीडियो अपलोड होंगे सारे आप लोग देख लीजिएगा। सारे में इम्पॉर्टेंट MCQ SAQ क्वेश्चन और सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ दिए गए हैं। धन्यवाद।